हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल। बिल्कुल शॉर्ट हेयर है तो भी बना लोगे एंड लॉन्ग है तो भी बना लोगे। तो कैसे बनाना है सब कुछ आपको क्लियर करने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हेयर स्टाइल को कंप्लीट करते। सेकंड चैनल प्रीति तिवारी 2 है जिसमें मेरी ब्लॉग वीडियोज अपलोड होती रहती है, डेली अपडेट अपलोड होती रहती है। तो प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है एंड फेसबुक पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये फ्रेंच रोल हेयर स्टाइल बनाने के लिए आप चाहो तो पार्टीशन रख सकते हो। अगर आपको पार्टीशन नहीं रखनी है तो आप पार्टीशन मत रखिए। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन नहीं रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बालों को ऊपर की तरफ से रखना है। एंड एक रबर बैंड यूज करना है हेयर स्टाइल के लिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला हेयर स्टाइल रबर बैंड यूज कर रही हूँ। ऐसे दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपली रबर बैंड को थोड़ा सा नीचे करना है, देन हेयर के सारे हेयर को ट्विस्ट कर दी, रबर बैंड को और नीचे करेंगे, हेयर को ट्विस्ट कर देंगे, फिर नीचे करते जाएंगे एंड थोड़ा और नीचे कर जाएंगे कि देखिए रबर बैंड को थोड़ा सा बताते जाएंगे ट्विस्टिंग करते जाएंगे। इस तरीके से हैंड में सारे हेयर को ट्विस्टिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे। और इसके बाद आपको चाहिए थोड़ी सी यूपिंग, इस तरीके से आपको दोनों के हेयर को लेना है और जितना भी हेयर अंदर की तरफ है उसको अच्छे से हाइड करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप फ्रेंच रोल यहाँ पे बना सकते हो रबर बैंड की मदद से। विदाउट रबर बैंड भी आप बना सकते हो। विदाउट रबर बैंड कैसे बनाना है वो तो बता दूंगी इसी वीडियो में। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आपको फ्लावर वाली यूपिंग वगैरह साइड में यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर कुछ यूज नहीं कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत था, बहुत कंफर्टेबल, गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। रबर बैंड को अच्छे से हैंड कर दीजिएगा। तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा एंड फ्रंट से आपको ऑटोमेटिकली एक ब्यूटीफुल सा पफ मिल जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा है। लेयर्स निकालना है तो आप लेयर्स निकाल सकते हो। साड़ी के लिए भी बेस्ट रहेगा। और ये जो हेयर दिख रहा है इसको भी आप यूपिन लेके यहाँ से इस तरीके से यूपिन में इसको बताओगे और ऐसे बताओगे तो आपका साइड का जो हेयर दिख रहा था वो भी मैनेज हो जाएगा और खूबसूरत सा पफ भी आपका एक बन के रेडी हो गया है। सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से ये ब्यूटीफुल सा फ्रेंच रोल बन हेयर स्टाइल बना सकते हो आप। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो। सॉरी, आपको बताना है विदाउट रबर बैंड के आप फ्रेंच रोल कैसे बनाओगे। तो उसके लिए आपको पहले ये वाला हेयर स्टाइल ओपन करना है। बहुत इजी है ये बनाना भी और हेडक्लिप्स को रिमूव करना। अभी मेरा माइक अभी थोड़ा मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी। प्लीज़ डोंट माइंड एंड हेयर स्टाइल पर ध्यान दीजिएगा। एकदम हाई होने के इस तरीके से बनाएंगे। विदाउट रबर बैंड आपको अगर फ्रेंच रोल बनाना है तो इस तरीके से करके आपको सिंपली ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते रहेंगे एंड आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से सारे हेयर को रोल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे।
बैंड, ये हो गया हमारा विदाउट रबर बैंड फ्रेंच रोल बन गया स्टाइल। यूपी लगाने का सही तरीका इस तरीके से है, डायरेक्ट ऐसे घुसाओगे तो आपका बन खुल सकता है। पहले बन के हेयर को ले लो, फिर चलते हेयर के साथ अटैच कर लो, फिर ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है और लंबे टाइम तक आपका बन यहाँ पे टिका रहता है, खुलता है। विदाउट रबर बैंड से फ्यू पिन की मदद से मैंने ये बन बनाया है। ये भी सेम लुक देता है और काफ़ी इजी है और काफ़ी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है आपने रबर बैंड नहीं लगाए तो ठीक खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रहता है इसी तरीके से रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फाइनल लुक देख लो थोड़ा खुल गया। तो इसमें भी सेम तरीके से बन गया है एंड सेम तरीके का पफ लुक यहाँ पे आ गया है। तो आपको दोनों में से कौन सा इजी लगा, कौन सा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा, साड़ी के लिए, सूट के लिए, किसी भी ड्रेस पे आप इसको बना सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते हुए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। एंड और इसी तरीके की अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल की टिप्स एंड हैक्स एंड मेकअप से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स, कौन सा क्रीम आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, सब कुछ बताते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।